हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पल्लवी पाक विधि। आज मैं ढाबा स्टाइल चना फ्राई की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे चना रोस्ट भी कहते हैं, जिसे आप स्टार्टर के रूप में सर्व कर सकते हैं या फिर इवनिंग चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। चना फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप काबुली चने को रात भर पानी में भिगो कर रखा था। यह करीब 250 ग्राम है। अभी इसका सारा पानी हटा के मैं इसे बॉईल करने के लिए कुकर में डाल रही हूँ। अभी इस चने को बॉईल करने के लिए इसमें 1 कप पानी डालना है। पानी और चने का लेवल बराबर मात्रा में होना चाहिए। इसी के साथ हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अभी कुकर का ढक्कन बंद करके हमें हाई फ्लेम पर 1 सीटी ले लेना है। फिर हमें गैस की फ्लेम को लो करना है और लो फ्लेम पर हमें 3 से 4 मिनट पकने देंगे। तो यहाँ पर चने बॉईल हो गए हैं और इसके प्रेशर को मैंने अपने आप रिलीज होने दिया। चने यहाँ पर एकदम परफेक्टली कुक हुए हैं। इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि चने ओवर कुक नहीं होना चाहिए, वरना वो मैश हो जाएंगे और हमारे चना रोस्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो अभी हम इस चने को छान लेंगे ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और फिर इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जब यह चने पूरी तरह से ठंडे हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। आप कॉर्नफ्लावर की जगह अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें 2 चम्मच चावल का आटा भी डालेंगे। चावल का आटा डालने से हमारे जो चने बनेंगे वो बहुत ज़्यादा कुरकुरे बनेंगे। अभी हमें इसे अच्छे से मिला लेना है, जिससे कि हर चने में चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर अच्छे से कोट हो जाए। अभी हमें इस चने को फ्राई करना है, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं। इन लहसुन की कलियों को किसी हेवी ऑब्जेक्ट से हल्के हल्के हाथों से इसे क्रश करना है। इससे लहसुन को जब हम तेल में फ्राई करेंगे तो इसका फ्लेवर रिलीज होगा और यह चिटकेंगे भी नहीं। यहाँ पर हमें लहसुन को छिलके समेत ही फ्राई करना है। हम जब लहसुन तेल में फ्राई करते हैं तो इसकी खुशबू तेल में रिलीज हो जाती है। इसके बाद जब हम चने फ्राई करेंगे तो चने में यह खुशबू एब्जॉर्ब हो जाएगी और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा चने में। तो जैसे ही यह लहसुन थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। अभी इस तेल में हमें चने को डाल देना है। जब हम चने तेल में डालेंगे तो तेल गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे। अगर हम गैस की फ्लेम को लो रखते हैं तो चने के ऊपर की कोटिंग तेल में निकल जाएगी। शुरू शुरू में हमें इसे ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें चम्मच चलाते हुए इसे फ्राई करेंगे। इस चने को 4 से 5 मिनट हमें फ्राई करना है। तो अभी 4 से 5 मिनट बाद इस चने का कलर लाइट गोल्डन हो गया है और यह क्रिस्पी भी लग रहा है, तो इसे मैंने बाहर निकाल लिया है। चने के ऊपर डालने के लिए हम एक मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून अमचूर का पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून नमक। नमक हमें थोड़ा सा कम ही डालना है क्योंकि हमने चने को बॉईल करते वक्त नमक डाल दिया था। और लास्ट में 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इन सभी मसालों को हमें मिक्स करना है। जब हम यह मसाला चने के ऊपर डालेंगे तो इसका बहुत अच्छा चटपटा सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर हमने मसाले को मिक्स कर लिया है। अभी हम एक पैन लेंगे। पैन में हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। जैसे ही यह ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसमें हम यह मसाला डाल देंगे। इस मसाले को हम 10 से 15 सेकंड इसी तरह से फ्राई करेंगे और फिर इस मसाले में हम यह फ्राई किए हुए चने डाल देंगे। चने को हम इस मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हर चने में यह मसाला अच्छे से कोट हो जाए। अभी हमें इस वक्त गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर पूरे चने में मसाला अच्छे से कोट हो गया है, तो अभी हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सुपर टेस्टी चना फ्राई बनकर तैयार है। इस चना फ्राई को फ्राई किए हुए लहसुन के साथ गार्निश करेंगे। तो अगर आपको आज की यह चना फ्राई की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।